भगवान की प्रतिनिधि हैं। भगवान को अपने आप को दिखाना था लोगों को दुनिया में, तो स्त्री का रूप लिया उसने। वुमन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और उसने अपने दोनों रूप दिखाए, प्रेम का रूप भी और क्रोध का रूप भी। प्रेम का रूप दिखाया मां के रूप में, अति प्रेम, रोटी और भिंडी की सब्जी और दाल थाली में वो लेकर आपके सामने आपकी मां आती है और आपने थाली उठाकर फेंक दिया। डेली डेली भिंडी बना दो, भिंडी खाएंगे, भिंडी खाने के लिए पैदा हुए हैं। उसने कहा अच्छा बेटा क्या खाओगे बताओ, वही बना दे। फिर चली गई किचन में, उसको दर्द है कि वो बुखार में है कि वो परेशान है। सर 40 के बाद लगभग लगभग हर औरत किसी ना किसी शारीरिक समस्या से ग्रसित होती है, और 99% औरतें अपने दर्द को, अपनी बीमारियों को डिस्क्लोज नहीं करती हैं। ये खास बात है सर उनकी, 99% सर, 99 नहीं करती है सर, लेकिन 40 के बाद। और आजकल तो सिजेरियन ऑपरेशन से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, तो फिर तो और दिक्कतें हो रही हैं सर। इसलिए औरतों को एक विशेष स्थान मिलना ही चाहिए, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, उनका योगदान बहुत ज्यादा है। एक पत्नी के रूप में, एक मां के रूप में, एक बहन के रूप में, ये पूंजीवादी युग है सर, इसलिए हम उनकी योगदान को समझ नहीं पाते। जिस दिन इन योगदानों को रुपए में निर्धारित किया जाएगा, रुपए में, कि मां का एक दिन का काम घर में 1,00,000 रुपए के बराबर है, तब आपको अंदाजा होगा कि एक महीने में 30,00,000 का काम करती है। वीडियो पसंद आया हो तो